मंदसौर जिला टेनिस एसोसिएशन द्वारा जो ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, इसके संबंध में आप कुछ जानकारी दें, कब तक चलेगा और यहाँ पर कौन कौन से जगह की टीमें इसमें भाग ले रही हैं। मतलब मैं टेबल टेनिस संगठन के तत्वावधान में मंदसौर जिला द्वारा राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक यहाँ मंदसौर में किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मंदसौर में बहुत अच्छा टेबल टेनिस हॉल बनाया गया, बहुत अच्छा टेबल टेनिस के लिए एनवायरनमेंट तैयार हुआ है, जिसके कारण प्रदेश संगठन ने तय किया कि यहाँ पे एक राज्य स्तरीय स्पर्धा कराई जाए और इसमें 200 से अधिक बच्चे मध्य प्रदेश के सभी जिलों से यहाँ पर एकत्रित हुए, जिसमें कैडेट से लेकर सीनियर वर्ग तक बालक बालिका वर्ग में मुकाबले खेले जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो टेबल टेनिस का भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस का भविष्य बहुत ही अच्छा हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जो खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभुत्व दर्शाया है, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ से और अच्छे खिलाड़ी तैयार होंगे, जिसके कारण हम भी प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के हर जिले में टेबल टेनिस की गतिविधियाँ किस तरह से बढ़ाई जाए, प्रयास हम कर रहे हैं। अनुषा कुटुम्बले हमारी अभी हाल ही में खिलाड़ी है, जो दो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेता रही है, और भी कई खिलाड़ी हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं, वो इस स्पर्धा में भी यहाँ खेल रहे हैं। उम्मीद है कि बच्चे अच्छा खेलेंगे, प्रदेश का नाम रोशन। मंदसौर में ये जो सुविधा प्रदान की गई है, इसमें आप क्या देखते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर सुविधाएँ दूसरे जिलों की अपेक्षा में? मैं बहुत प्रभावित हुआ मंदसौर में जिस तरह से टेबल टेनिस के लिए पिछले कुछ दिनों में जो उत्साह आया है और जो सुविधाएं यहाँ पे तैयार की गई, निश्चित तौर पे जो जानकारी मुझे मिली है कि यहाँ के कलेक्टर महोदय ने व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी लेके जिस तरह से खेलों को प्रोत्साहन दिया, वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। इसके मद्देनज़र हमने भी तय किया था कि मंदसौर में एक राज्य स्पर्धा कराई जाए। शेलावत जी और उनके साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों ने जो उत्साह के साथ में इस स्पर्धा को आयोजन करने के लिए तैयारी ली है, हमें उम्मीद है एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट प्रदेश के खिलाड़ियों को देखने को मिलेगा। धन्यवाद। मंदसौर में ये जो आयोजन हो रहा है, इसके अंदर आपको प्रदेश और सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिली है और इसका आपने किस तरीके से यहाँ पर सदुपयोग करा है? हमको यहाँ स्टेडियम कमेटी में जो आदरणीय प्रेसिडेंट कलेक्टर साहब और क्षेत्र के विधायक आदरणीय यशपाल जी के सहयोग से बहुत अच्छा हाल उपलब्ध किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के लायक है। हमको 4 से 7 के बीच में 50 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं और ये जो सुविधाएँ दी गई मेरे को इंदौर के खेल प्रचार के बाद ये दूसरा मध्य प्रदेश का हाल है जहाँ सिंथेटिक कोर्ट और 5 से 6 टेबल लगी हुई है। हमें 8 टेबल उपलब्ध कराई, उसमें 6 बच्चे रेगुलर उस पर प्रैक्टिस करते हैं और आने वाले समय में बच्चे मंदसौर का नाम जो अच्छा बच्चा करेंगे। मंदसौर में डेली क्लासेस किस किस समय पर लगती हैं और कितने बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं? शाम को 4 बजे से 8 बजे के लगभग 60 बच्चे रेगुलर शिक्षण प्राप्त करते हैं और सुबह जो सीनियर्स हैं वो भी 6 से 8 के बीच में हमारे 20 से 25 लोग जो है सीनियर खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और खेलते भी हैं। मंदसौर शहर में खेलों को लेकर जो उत्साह का संचार हुआ है और जो सुविधाएँ अभी वर्तमान में हमने यहाँ पर उपलब्ध करी है, शासन और प्रशासन का, स्टेडियम कमेटी का और विशेष करके जो पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने एसोसिएशन है, उन सब ने मिलकर के संकल्प लिया है कि मंदसौर शहर में हर प्रकार के खेलों को उसको लेकर के आज जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। मंदसौर का स्टेडियम जो लगभग 45-40 पुराना जो निर्माण है आज सर में हमको क्रिकेट का टर्फ विकेट हो गया है, स्केटिंग का मैदान हो गया है, शतरंज का स्थान हो गया है, टेबल टेनिस हो गया है, जूडो हो गया है, सब तरह के खेल हमने आज इस स्टेडियम परिसर में उपलब्ध करा दिए। छात्रों छात्राओं के लिए हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं कि आप राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय और नेशनल अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। हॉकी को लेकर भी कुछ संभावना है? हॉकी को लेकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मंदसौर में सिंथेटिक्स हॉकी टर्फ बोर्ड की सेंक्शन हो गई है। लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान और खेल मंत्री यशोधरा जी द्वारा हमको प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश में मात्र 5 स्तरों पर ये हॉकी का एस्ट्रोटर्फ सेंक्शन हुआ है, उसमें सागर है, दमोह है, होशंगाबाद है, इंदौर है और मंदसौर। इसके संबंध में पूरी व्यवस्था निश्चित की गई है, बच्चों के ठहरने की व्यवस्था, साथ में यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ और पूरी जो टीम है उसको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरीके
व्यवस्था के लिए मैं आप सभी को आश्वस्त।